यहाँ एक अपडेट निकल कर सामने आ रही है आपको हम बता दें, जो है मन की बात में बोले हैं मोदी लॉकडाउन से परेशानी पर माफी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने माफी भी मांगी है लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि ये जरूरी था। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम आपको पूरे डिटेल्स में वीडियो में सब कुछ बताएंगे, आखिर मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, क्या बोला है, क्या देशों को देश को क्या क्या समझाया है, आम जनता को क्या बोला है, बताया गया है। तो दोस्तों मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा है कि कुछ फैसलों की वजह से आपकी जिंदगी में परेशानी आ गई, गरीबों को खास दिक्कत हुई है। पीएम मोदी ने कहा है कि मुझे मालूम है कि आप में से कुछ हमसे नाराज भी हैं, लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए यह कदम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और अहम था। तो दोस्तों पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस इंसान को मारने की जिद लिए बैठा है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन आपको बचाने के लिए लगाया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो है हम पूरे डिटेल्स में, आखिर उन्होंने क्या क्या कहा है हम आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ जो है हम आपको बता दें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करके आप अपना, जी हाँ दोस्तों, आप अपना योगदान ज़रूर करें। तो दोस्तों मन की बात में पीएम ने देशवासियों से माफ़ी मांगी है और आपको बता दें कोरोना से लड़ने के लिए यह कड़े फैसले ज़रूरी थे, ऐसा बताया है। और साथ में उन्होंने कहा है कि सोशल डिस्टेंस बढ़ाइए, जी हाँ दोस्तों इमोशनल डिस्टेंस घटाइए। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा है कि वे देशवासियों से क्षमा मांगते हैं क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े जिनसे देशवासियों को तकलीफ उठानी पड़ रही है। पीएम मोदी ने गरीबों को से जो है विशेषकर क्षमा भी मांगी है और साथ में कहा है कि कड़े कदम उठाने के लिए माफ़ी मांगता हूं। जी हां दोस्तों, माफ़ी चाहता हूं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप सभी के लिए कहा है। तो दोस्तों क्यों, आखिर क्यों सोशल डिस्टेंसिंग आप लोग जो है सोशल जो डिस्टेंस बनाने के लिए बताया जा रहा है उसको आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे, क्यों घर से बाहर निकल रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, हमारा भी आपसे एक निवेदन है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप घर से बाहर मत निकलिए, कोशिश कीजिए ना निकलने की, और अगर निकलते भी हैं तो ज़्यादा क्राउड के बीच में, ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया में ना जाएँ। दोस्तों लॉकडाउन न मानने वाले लोग जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। साथ में उन्होंने और भी बताया है कि कोरोना के से जो है के ठीक हुए लोगों से पीएम ने की है बात। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जो कोरोना से ठीक हुए जो कुछ लोग हैं उनसे बात भी की थी और उनके द्वारा जो है उनका अनुशासन, उनका जो है इस तरह से उनके सेवा की गई है। और क्यों कोरोना से डरने, जो डरावना जो है ना, कोरोना नाम एक डर बैठ चुका है, तो इनसे जो है उन्होंने बताया कि कुछ सावधानियों की वजह से आप इससे बिल्कुल भी डरे नहीं, अगर आप कुछ सावधानियों को बरतते हैं तो आपको कोरोना से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में जो है सोशल डिस्टेंस आप बढ़ाइए और साथ में आपको हम बता दें कि इमोशनल डिस्टेंस को आप घटाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंस बढ़ाने को कहा है लेकिन इस दौरान वे इमोशनल डिस्टेंस घटा सकते हैं और अपने सगे संबंधियों, पुराने दोस्तों, परिचितों से बात कर सकते हैं, अपना शौक पूरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब उन्हें ये जानकारी मिली कि क्वारंटीन हुए लोगों के साथ कुछ लोग बदसलूकी कर रहे हैं तो उन्होंने यह भी कहा है कि हमें ऐसे लोगों को लेकर संवेदनशील होना होगा। तो दोस्तों ऐसी बड़ी अपडेट, बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी देशवासियों के जो संबोधन किया है, संबोधन के दौरान उन्होंने जो बातें की है उसको हमें अमल करना चाहिए और हमें उनके ऊपर जो है विश्वास करना चाहिए और देश के लिए हमें ये करना ही चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपका जो है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।